कि प्रभास का होगा कैमियो। क्यों कर रहे हैं सलमान खान हिंदू मुद्दों पर फिल्म? क्या बन सकता है टाइटल एक दिक्कत? हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। सलमान खान को इस साल काफी सुर्खियों में देखा जा रहा है। वो किसी न किसी वजह से लगातार न्यूज में बने हुए हैं। अब चाहे वो उनकी आने वाली फिल्म हो या फिर आने वाली फिल्मों की अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट्स, फिर चाहे वो नए चेहरों का डेब्यू फिर से कराना हो या फिर डायरेक्टर से झड़प हो, और ये सिलसिला चलने की उम्मीद पूरे साल की है। जी हाँ, यानी कि सलमान के खबरों में बने रहने का सिलसिला पूरे साल चलने वाला है और साथ ही साथ उनके तगड़े कमबैक से वो फिर से मचाने वाले हैं सिल्वर स्क्रीन पर गदर। आपको बता दें कि इस साल के साथ ही साथ सलमान अगले साल की भी तैयारियां कर चुके हैं और उनकी अगले साल आने वाली फिल्मों की टॉप लिस्ट में बजरंगी भाईजान 2 है। जी हाँ, सलमान की 2015 में आई फिल्म बजरंगी भाईजान का सीक्वल आने वाला है और इस बार सलमान फिर से फिल्म को लेकर चर्चाओं का विषय बन गए हैं। हाल ही में ऐसा देखा जा रहा है कि सलमान ऐसी फिल्मों को काफी साइन कर रहे हैं जो कि एक सोशल मैसेज दर्शकों तक पहुंचाने का काम करती हो। जी हाँ, जैसे कि कभी ईद कभी दिवाली, और उनकी हर फिल्म में एक मुद्दा कवर होता साफ नजर आ रहा है जो कि है हिंदू मुस्लिम राइवलरी का। पिछले कुछ इंटरव्यूज में सलमान ने ये भी साझा किया है कि वो हिंदुस्तान के इस समस्या को सुलझाने में अपना योगदान देना चाहते हैं, जो कि वो अपनी फिल्मों से ही दे सकते हैं। फिल्म बजरंगी भाईजान में एक और ट्विस्ट देखा जा चुका है और वो ये है कि फिल्म में हो सकता है टॉलीवुड ट्विस्ट, यानी कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि शायद फिल्म में हो सकता है प्रभास का कैमियो। लेकिन उनका ये कैमियो किसी एक गाने में होगा या फिर ये फिल्म का ही कोई सीन में होने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। और फिल्म से रिलेटेड एक और खबर सामने आ रही है और वो ये है कि क्या फिल्म का टाइटल भी एक समस्या हो सकता है फिल्म के लिए। जी हाँ, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं क्योंकि फिल्म के सीक्वल का नाम होने वाला है पवन पुत्र भाईजान, और नाम को सुन के ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद ये नाम हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकता है और ये एक दिक्कत की बात हो सकती है फिल्म के कास्ट और मेकर्स के लिए। अब इंतजार है तो बस फिल्म की मेकिंग स्टार्ट होने का और इसके रिलीज का। तब तक देखने वाली बात ये होगी कि क्या फिल्म को गुजरना पड़ेगा और मुश्किलों से या इसकी मुश्किलों का अंत यहीं हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि प्रभास की प्रेजेंस लगा पाएगी फिल्म में चार चांद? एक बार अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। हमारी आज की राइटर है अनुप्रीति।